आज के लेक्चर में हम टेलर्स मेथड पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे कि किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हम टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर टू कैसे अप्लाई करते हैं। हमारा प्रॉब्लम है, एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम है डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई टी प्लस टू कॉस टी, और इसके साथ इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन और एच हमें गिवन है 0.1। ये स्टेप साइज है और टेलर्स मेथड हमने अप्लाई करना है, टेलर्स मेथड अप्लाई करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर टू का है, टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर टू। और इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइट्रेशंस कितने लेने हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, अप्लाई वन आइट्रेशन ओनली। टू आइट्रेशंस में आमतौर पे आपको मेथड का पता चल जाता है कि आपने ये मेथड कैसे अप्लाई करना है किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर टू का हमें इक्वेशन पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी डेरिवेशन की थी, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ टी एन वाई एन प्लस एच स्क्वायर बाय टू। मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ इसको, एच स्क्वायर बाय टू एफ एफ वाई प्लस एफ ऑफ टी। ये हमारे पास टेलर्स मेथड का फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना होगा, पहले आइडेंटिफाई करना है इस फंक्शन राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो क्या है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। तो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब हम एफ ऑफ टी वाई हम आइडेंटिफाई करते हैं, एफ ऑफ टी वाई, और ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस टू कॉस टी। इसके साथ ही हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने एफ का हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है। तो क्योंकि हम न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड के लिए ये जो राइट हैंड साइड है ये स्मॉल वाई हो जाएगा। तो एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। इसके साथ ही आप फार्मूले में देख रहे हैं कि आपको एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, तो यहाँ पर हम एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब लेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्योंकि वाई फंक्शन है टी का, तो ये आ जाएगा माइनस वाई डैश ये, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस टू साइन टी, इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा। और वाई डैश आपको पता है कि ये डी वाई बाई डी टी है, जब न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई होता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई में लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस वाई, वाई डैश की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस, ये वाई आ जाएगा, सॉरी माइनस वाई प्लस टू कॉस टी और माइनस टू साइन टी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं एफ ऑफ टी को, तो एफ ऑफ टी आ जाएगा वाई माइनस टू कॉस टी और इसके साथ ही माइनस टू साइन टी। अब आप यहाँ चीज़ देख रहे हैं कि जब n को हमने आइट्रेशन वन करना है, आइट्रेशन वन अगर हमने करना होगा तो n को हमें ज़ीरो रखना है,
इसके साथ ही फंक्शन हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ टी ज़ीरो वाई ज़ीरो की, हमें वैल्यू चाहिए एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई टी ज़ीरो वाई ज़ीरो की, और इसके साथ ही एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और इस यहाँ पर वैल्यू चाहिए टी ज़ीरो वाई ज़ीरो की। ये तमाम वैल्यूज़ हमें चाहिए, क्योंकि जब आप एन को ज़ीरो रखेंगे तो ये सब हमारे पास न्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड वैल्यू आ जाएगा। तो एफ ऑफ टी ज़ीरो वाई ज़ीरो, टी ज़ीरो हमें पता है, ये हमारे पास टी ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। वाई ज़ीरो हमारे पास ये है वन, ये आ जाएगा वन। तो एफ ऑफ ज़ीरो वन आप पुट कर सकेंगे माइनस वाई ज़ीरो प्लस टू कॉस ज़ीरो। ठीक है, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ से ये माइनस वाई नॉट आ जाएगा माइनस वन प्लस टू, और ये आ जाएगा वन। फिर हमें f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो हमने फाइंड कर लिया था, क्योंकि ये माइनस वन है, यहाँ कुछ t नॉट या y नॉट नहीं है, तो ये आंसर माइनस वन ही रहेगा। यानी कि f ऑफ y t ज़ीरो इज ज़ीरो, y ज़ीरो इज वन, ये माइनस वन ही रहेगा। फिर हमारे पास f ऑफ t t ज़ीरो y ज़ीरो है, और ये हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ये वैल्यू यहाँ निकाल ली थी, तो ये आ जाएगा y नॉट माइनस टू cos t नॉट माइनस टू sin t नॉट। तो आप y नॉट आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, y नॉट हमारे पास है मिसाल के तौर पे वन, cos ज़ीरो आ जाएगा माइनस टू, cos ज़ीरो वन हो जाएगा, माइनस टू sin ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने t नॉट को रखना है ज़ीरो और y नॉट को रखना है वन। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस वन। ये तमाम वैल्यूज हम फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वाई वन वाई ज़ीरो प्लस एच एफ ऑफ टी ज़ीरो वाई ज़ीरो, जो कि बनेगा टी ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो। चलें यहाँ पहले फार्मूला लिख लेते हैं, टी ज़ीरो वाई ज़ीरो प्लस एच स्क्वायर बाय टू एफ ऑफ टी ज़ीरो वाई ज़ीरो एफ ऑफ वाई टी ज़ीरो वाई ज़ीरो प्लस एफ ऑफ टी टी ज़ीरो वाई ज़ीरो। यहाँ वैल्यू सारी पुट कर देंगे, वाई ज़ीरो हमारे पास है वन, वाई ज़ीरो है वन, प्लस एच हमें पता है 0.1, एफ ऑफ टी ज़ीरो वाई ज़ीरो की वैल्यू हमने निकाल ली थी, इसमें कोई एरर आई होप के नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाय टू, एच स्क्वायर बाय टू, एच स्क्वायर बाय टू का मतलब है 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, एफ ऑफ टी ज़ीरो वाई ज़ीरो हमें पता है ये वन है, एफ ऑफ वाई टी ज़ीरो वाई ज़ीरो ये है माइनस वन, प्लस एफ ऑफ टी टी नॉट वाई नॉट ये हमारे पास है माइनस वन। तो ये आ जाएगा वाई वन वन प्लस ज़ीरो पॉइंट वन प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन माइनस वन, इस तरह से ये कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वन प्लस, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही से, टू टू से कैंसिल, वन पॉइंट वन पॉइंट वन माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो आपने जब इटरेशन टू करनी है तो यही प्रोसीजर रिपीट करना है, लेकिन एन को आपने वन रखना होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी टेलर्स मेथड ऑफ ऑर्डर टू के लिए।
Thank you for watching.